ट्रेन से यात्रा करते समय बिना उचित कारण का अगर आप चैन खींचते हैं तो आपको 10,000 की जुर्माना और 3 महीने की सजा हो सकती है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि चलती हुई ट्रेन में चैन खींचने का क्या सही नियम है, और साथ ही ये भी बताने वाला हूं कि अगर आपका मोबाइल चलती हुई ट्रेन से गिर जाता है या फिर कोई कीमती चीज गिर जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, मैं हूं कुमार प्रदीप, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस कंडीशन में ट्रेन का चैन खींचना कानूनी तौर पे सही होता है। अगर कोई व्यक्ति साथ में यात्रा करने वाला 60 वर्ष से ज़्यादा का है या कोई बच्चा स्टेशन पर छूट जाए और ट्रेन चल दे, ट्रेन में आग लग जाए, बुजुर्ग व्यक्ति या विकलांग को ट्रेन में चढ़ने में समय लग रहा हो और ट्रेन चल दे, अचानक चलती हुई ट्रेन में किसी व्यक्ति की तबीयत बिगड़ जाए, जैसे दौरा पड़ना या हार्ट अटैक होना, ट्रेन में झपट मारी या चोरी या डकैती की घटना हो जाए, तो इस कंडीशन में आप ट्रेन की चैन खींच सकते हैं। ये लीगल है, कानूनी है। इस कंडीशन में आपको कोई भी जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ट्रेन में चैन पुलिंग कैसे काम करती है। पहले के समय में ट्रेन के बोगी के दीवारों पर हर तरफ जंजीर दी जाती थी, लेकिन इसका गलत प्रयोग होने के कारण रेलवे विभाग ने इसकी संख्या कम कर दिया है। दोस्तों, चैन पुलिंग को अब ट्रेन के हर बोगी के बीच में दिया जाता है। अलार्म वाली जंजीरें ट्रेन के मेन पार्ट से जुड़ी होती हैं। इस पाइप में हवा का दबाव होता है, इससे ट्रेन रफ्तार में चलती है, मगर चैन पुलिंग के समय हवा बाहर निकल जाती है। हवा के दबाव में आई कमी के कारण ट्रेन की स्पीड कम हो जाती है, जिसके बाद लोको पायलट उसको रोकता है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति बिना किसी उचित कारण के ट्रेन का चैन पुलिंग करता है तो उसके लिए क्या सजा और कितना जुर्माना लगता है, आइए अब हम जानते हैं। इंडियन रेलवे एक्ट 1989 की धारा 141 के तहत अगर कोई यात्री यात्रा करते समय या दूसरा व्यक्ति बिना किसी जरूरी वजह के चैन पुलिंग करता है या रेलवे स्टाफ के काम में कोई रुकावट करता है तो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन यात्री और रेलवे स्टाफ के काम में बाधा डालने के चलते दोषी पाए जाने पर दोषी को 1 साल की सजा या 1,000 रुपये का जुर्माना या फिर सजा या जुर्माना दोनों ही दिया जा सकता है। किसी भी हालत में पहली बार पकड़े जाने पर 500 रुपये का जुर्माना और दूसरी बार या उससे ज़्यादा अधिक बार पकड़े जाने पर 3 महीने की जेल हो सकती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ट्रेन चलते समय आपका मोबाइल फ़ोन या ऐसे भी कोई कीमती वस्तु या सामान गिर जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर मोबाइल चलती ट्रेन से गिर जाता है और किसी सुनसान जगह पर गिरा है तो उसका मिल जाना 90% तय होता है। आपको बस इतना करना है कि मोबाइल नीचे गिरते ही नीचे देखने के बजाय सामने बिजली की खंभे पोल पर लगा हुआ नंबर देखना है। अब आपको रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी RPF की हेल्पलाइन नंबर 182 पर कॉल करना चाहिए और आपको बताना है कि आपका मोबाइल फ़ोन किस स्टेशन के बीच और कितने नंबर के बिजली के पोल के पास गिरा है। RPF आपकी मोबाइल ढूंढ लेगी, उसके बाद आप उस स्टेशन पर वापस जाकर अपनी पहचान बताकर अपना मोबाइल ले सकते हैं। दोस्तों, RPF का ऑल इंडिया सिक्योरिटी हेल्पलाइन नंबर है 182। इस नंबर को आप किसी भी समय डायल करके सहायता मांग सकते हैं। ऐसे ही GRP का हेल्पलाइन नंबर है
1512 इसे भी डायल करके सिक्योरिटी की मांग की जा सकती है। रेल पैसेंजर हेल्पलाइन नंबर है 138। रेल यात्रा के दौरान किसी भी परेशानी के हालात में इस नंबर को भी डायल करके सहायता मांगी जा सकती है। दोस्तों, ट्रेन में चैन खींचने पर अब काफ़ी नाराजगी और सख्ती की जा रही है। दोस्तों, पहले 500 से 1000 रुपये लेकर के छोड़ दिया जाता था, लेकिन अब कोर्ट 10000 रुपये तक का जुर्माना लगा रही है। दोस्तों, आज आपने जाना कि ट्रेन में यात्रा करते समय चैन खींचने का क्या उचित नियम है, और साथ ही आपका मोबाइल गिर जाता है तो आपको कहां से सहायता मिल सकती है। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।